हेलो एंड वेलकम, स्वागत है फॉर एक्स फ्रॉन बॉक्स में। सो फ्रेंड, ऑन प्लस ने लॉन्च कर दिया है अपना टी सीरीज़ का एक नया स्मार्टफोन, ऑन प्लस 10T। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं, तो सब कुछ बताओगे इसके बारे में। अगर चैनल पर नया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ चैनल पर देखने मिलता है। तो पहले बात करते हैं फ़ोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। बैक में देखने मिलता है ऑन प्लस 10 प्रो जैसा ही लुक देखने मिलता है। बिल्ड मटेरियल की बात करें तो आपको इसके अंदर ग्लास बैक देखने मिलता है, साइड में आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने मिल जाती है। तो डिज़ाइन और बिल्ड मटेरियल की बात करें तो फ़ोन एवरेज है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का एक फ्यूलेट एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले देखने मिलता है। साथ में 5 होल कटआउट में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। और साथ में आपको ब्राइटनेस नीट की बात करो तो 950 नीट का ब्राइटनेस पीक देखने मिलता है। अगर ओवरऑल डिस्प्ले में फ़ोन अच्छा है, अगर ब्राइटनेस नीट थोड़ी ज़्यादा होती तो बेटर रहता। अब बढ़ते परफॉर्मेंस की तरफ। तो ऑन प्लस 10T में देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 का प्रोसेसर देखने मिलता है, और साथ में आपको 8GB 12GB रैम देखने मिलती है, और 16GB आपको ग्लोबल में देखने मिलता है रैम। और स्टोरेज की बात करें तो 128 और 256GB स्टोरेज देखने मिलते हैं। इंडिया में सिर्फ दो ही वेरिएंट है, 8GB और 12GB, और 128GB स्टोरेज वेरिएंट देखने मिलता है। और ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 और ऑक्सीजन OS 12.1 पर रन करते देखने मिलता है। ऑन प्लस ने प्रॉमिस किया कि इसके अंदर 3 बरस का आपको एंड्रॉयड वर्जन अपडेट देखने मिलेगा, 4 साल का आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने मिलता है, और इसमें बहुत ही जल्दी आपको एंड्रॉयड 13 का भी अपडेट देखने मिल जाएगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में फ़ोन अच्छा है, गेमिंग के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप गेमिंग के लिए फ़ोन सजेस्ट कर सकता हूँ मैं। कैमरे की बात करें तो इस बार ऑन प्लस ने कैमरे में ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं किया है। 50 MP का सोनी IMX766 का सेंसर यूज़ किया गया है, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 MP का माइक्रो सेंसर दिया गया है। और अब फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन के अंदर आपको 50 MP कैमरा कम ही लगेगा। और वहीं पर फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है, जिसके अंदर आप सेल्फी अच्छी ले सकते हैं, फुल HD में आपको वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल कैमरे की बात करो तो एवरेज कहूँगा, क्योंकि ऐसे स्मार्टफोन में, फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन में 50 MP कैमरा नहीं होना चाहिए था। फाइनली बैटरी की बात करें तो 4800 mAh का बैटरी देखने मिलता है। साथ में 150 W का फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने मिलता है। तो 150 W का फास्ट चार्जर है तो बैटरी में इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, ये तो सबके मन में सवाल है। तो ऑन प्लस ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 75 W के साथ में। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो आपको ऑन प्लस ने क्लेम किया है कि 1 to 67% आपको 10 मिनट में करके देता है, तो बैटरी में भी फ़ोन अच्छा है। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करो तो अगर एक गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो कैसा लगा ये फ़ोन और वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।